हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हर्ष और आप देख रहे हैं रेसल व्यू इंडिया। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आज हुए रॉ के मेन इवेंट के बारे में, जो कि था ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, लास्ट वीक शेमस ने ड्रू मैकइंटायर के ऊपर टर्न कर दिया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज किया था कि आज रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर का मैच होगा और साथ ही साथ ड्रू मैकइंटायर शेमस से कन्फ्रंट करेंगे और जानेंगे कि क्यों उन्होंने शेमस ने उन पर अटैक किया। तो दोस्तों, जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज किया था, आज रॉ में मैच हुआ रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर का मेन इवेंट में, और शेमस यहां पर रिंग साइड पर थे मैच देखने के लिए। और गाइस, रॉ की शुरुआत में हमको पता चल गया कि एलिमिनेशन चेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर भी होगा और यहां पर पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर दिया कि ड्रू मैकइंटायर अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मिस जेफ हार्डी, एजे स्टाइल, शेमस, रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर मैच में। तो गाइस, जब रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर का मैच स्टार्ट होता है तो काफ़ी फिजिकल मैच था, पहले स्लो पेस पर स्टार्ट होता है और हमने इनके पहले मैचेस देखे हैं इनके कितने ज़बरदस्त रहे हैं। तो आज भी ये एक नॉन टाइटल मैच था, काफ़ी अच्छा मैच था ये। अगर इस मैच के फिनिशिंग या फिर एंडिंग की, तो यहाँ पर गाइस हम देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन तैयारी करते हैं आरकेओ की और ड्रू मैकइंटायर उसको कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर शॉक डीडीटी में। और फिर उसके बाद जैसे ही ड्रू मैकइंटायर क्लेम और की तैयारी करते हैं, पीछे से शेमस उनको ब्रोक किक लगाने जाते हैं बट उन लग जाता है रैंडी ऑर्टन को। इस तरीके से इस मैच में डिस्क्वालीफाई होकर रैंडी ऑर्टन जीत गए और उसके बाद तुरंत ही ड्रू मैकइंटायर ने शेमस को क्लेम और किक लगाई और अपना बदला पूरा किया जो लास्ट वीक शेमस ने उनको ब्रोक किक लगाया था। तो कुछ इस तरीके से आज रॉ की एंडिंग हुई। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेसलिंग से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहें।